आगरा नगर निगम बोर्ड के 4 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगरा में किए गए विकास कार्यों एवं उपलब्धियों पर आधारित स्मारिका का विमोचन रविवार को शहर के तमाम जनप्रतिनिधियों एवं महापौर आगरा नवीन जैन की मौजूदगी में सूर्यस्तन प्रेक्षा गृह में किया गया। हजारों की संख्या में बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी और भाजपा के तमाम विधायकों और पदाधिकारियों की मौजूदगी में नगर निगम बोर्ड के 4.5 साल के कार्यकाल का जश्न मनाया। नगर निगम आगरा का वर्तमान कार्यकाल 4.5 साल का हो चुका है। 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सूर्यसदन प्रेक्षा गृह में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्मारिका जारी की गई। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के विधायक मौजूद थे, वृक्षित अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी मौजूद थे, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान 4.5 साल में महापौर नवीन जैन की अगुवाई में तमाम विकास कार्य किए गए। भाजपा वृक्षित अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी का कहना था, आगरा को नया रूप मिला है। नगर निगम आगरा के द्वारा उसके लोकप्रिय आगरा के मेयर श्री नवीन जैन जी के द्वारा जो किए गए काम हैं उनकी मैं प्रशंसा करता हूं और हृदय से उनको आभार इस बात का देता हूं कि उन्होंने आज अपनी उपलब्धियों को एक पुस्तक के माध्यम से विमोचन कराकर जनता के बीच में उसको समर्पित करने का काम किया है। जो विकास कार्य हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं। 4.5 वर्ष नगर निगम बोर्ड के पूरे होने पर एक जो नगर निगम में हमारे द्वारा किए गए कार्य हैं उनकी उपलब्धियों को लेकर स्मारिका का विमोचन का आज कार्यक्रम हमारे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री आदरणीय करमवीर जी के द्वारा, हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान रजनीकांत जी महेश्वरी के द्वारा यहाँ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आगरा के यहाँ के जनप्रतिनिधि, महानगर के अध्यक्ष सहित सभी हमारे गणमान्य नेतागण यहाँ मौजूद है। नगर निगम में माननीय महापौर आदरणीय नवीन जैन जी को ऐतिहासिक विकासशील 4 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं स्वर्णिम, उसके निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन है और जिसमें हम देख सकते हैं सूर सदन में एक बड़ी संख्या के अंदर कार्यकर्ताओं को और जनता की सहभागिता और उत्साह का हम देख सकते हैं और निश्चित रूप से आगरा में एक अच्छा विकास, स्वर्णिम विकास हुआ है। आज आगरा के महापौर जी के 4.5 वर्ष होने के उपरांत एक पुस्तक का विमोचन और विमोचन के साथ साथ जो 4.5 वर्ष आगरा के अंदर नया बदलाव हुआ है, स्वच्छता की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से, चौमुखी विकास जो हुआ है आगरा की जनता ने उसको एप्रिशिएट करा, उसको स्वीकारा है। महापौर नवीन जैन का कहना था, 4.5 साल में ऐसे तमाम सारे कार्य किए गए जो लंबे समय से लंबित थे। केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार का लाभ नगर निगम को मिला। केंद्र की और प्रदेश की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए आगरा नगर निगम ने भरसक प्रयास किया। सभी ने महापौर नवीन जैन के कार्यों की तारीफ की। MLC विजय सवेरे का कहना था कि काफी कार्य महापौर नवीन जैन की अगुवाई में हुआ है। 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारत माता के जयकारे लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए गए, वंदे मातरम के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मंत्री, विधायक और तमाम सारे लोगों ने महापौर नवीन जैन की जमकर तारीफ की। देखिए, आज आगरा के महापौर माननीय नवीन जी जैन के कार्यकाल के 4 साल पूरे हुए हैं और इस 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने आगरा का जो विकास कराया है, सौंदर्यीकरण कराया है और सफाई व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त चुरस्त किया है। मैं समझता हूँ उन्होंने एक विकास पुरुष के रूप में उन्होंने एक पहचान बनाई है। मैं आदरणीय आगरा के मेयर नवीन जैन साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके नेतृत्व में आगरा निश्चित रूप से विकास के पथ पर है। भारत में आगरा एक विशिष्ट स्थान रखता है। उस विशिष्टता में जो स्वच्छता का सहयोग और पहचान नवीन जी के युग में और कालखंड में जुड़ी, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। आज नगर निगम की स्मारिका का विमोचन है। आपके माध्यम से मैं आगरा नगर निगम को, आगरा के मेयर को, सभी पार्षदगण को, नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। 4.5 साल के कार्यकाल पूरा होने पर जारी स्मारिका में तमाम ऐसे कार्यों को दर्शाया गया है जो पहली बार हुए हैं। तमाम ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसका लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे। स्वच्छता को प्रमुखता के साथ दिखाया गया है। अनिल कुमार, C News, आगरा।